नव निर्वाचित प्रधानमंत्री सबसे बड़ी लोकतांत्रिक प्रक्रिया से गुजरकर लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए पधार रहे हैं राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से बतौर सांसद तीसरी बार चुनकर आए हैं। देशवासियों का अटूट भरोसा, अपार जन समर्थन, आत्मीय स्नेह और पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी ने अपने कुशल और बेहतरीन नेतृत्व से ये दिखाया है कि ये देश कैसे प्रगति के पथ पर उड़ान भर रहा है। समाज के कमजोर तबके से लेकर हर वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने का काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने, एक बार फिर नई उम्मीद के साथ। शब्दों में अब क्या कहें, जो उत्साह है आप उनका स्वयं अनुभव करिए। सबका आभार स्वीकार करते हुए नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार इस देश की बागडोर संभालने के लिए तैयार। द मैन ऑफ द मोमेंट मिस्टर नरेंद्र मोदी हु विल मेक हिस्ट्री इन जस्ट अ फ्यू मोमेंट्स फ्रॉम नाउ एज ही रिटर्न्स ग्रीटिंग्स ऑफ हिज कॉलीग्स of the cabinet and people who have come here in their thousands to attend this special moment. और अब हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। कुछ ही देर में वे यहाँ आएंगी और शपथ ग्रहण समारोह प्रारंभ होगा। समारोह स्थल पर माननीय राष्ट्रपति महोदया के आगमन पर राष्ट्रीय गान बजाया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह के समाप्ति पर भी राष्ट्रगान बजाया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर वही चमक, उत्साह, उमंग, आशा की वो किरण जिसपे 104 जोश, उमंग, उत्साह, 10,000 से अधिक मेहमान और आगमन, देश के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ और उनकी पत्नी डॉक्टर सुदेश धनखड़। कुछ ही समय में हमारे बीच राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन होगा। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए, अपना स्थान ग्रहण करते हुए, सबकी निगाहें अब टिकी हुई हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की ओर। मंच पर विराजमान सभी विशिष्ट अतिथिगण, माननीय प्रधानमंत्री जी अपने चिर परिचित अंदाज में, आंखों में चमक, उत्साह और सभी देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का एक विश्वास लिए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी मंच पर विराजमान हैं। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, हम सब प्रतीक्षा कर रहे हैं राष्ट्रपति महोदया के शुभागमन की। आपके चेहरे का तेज, आपकी जनप्रतिनिधियों का जीवन ऐसा ही होता है और यही हमारी संसदीय प्रणाली की खूबसूरती है, जहां जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है और उसके बाद उनसे अपेक्षा रखती है कि वो उनके सपनों को साकार करें। और उन्हीं सपनों को कैसे साकार किया जाएगा उसका रोड मैप, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले जसलीन बता रही थी कि रोड मैप ब्लूग्लेस के इस फैनफेयर ध्वनि के साथ उनका शुभागमन होगा। माननीय राष्ट्रपति महोदया का शुभागमन, उनके साथ राष्ट्रपति के सचिव, राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल मनजीत सिंह मंडराल सेवा मेडल तथा राष्ट्रपति के एडीसी भी उनके साथ हैं।
माननीय राष्ट्रपति महोदया, आपकी अनुमति हो तो समारोह प्रारंभ किया जाए। मंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय संघ के प्रधानमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय, जबकि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।